तो निकलते हैं आगे क्योंकि भाई अभी ठीक है ताऊ जी फटाफट निकाल देंगे। कैसा लगा था? बहुत सुंदर लगा मुझे, पूजा भी इतनी अच्छी। तो भाई वहाँ पे है देखो पेड़ कट रहा है जो, तो थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि मम्मी का जो व्रत है ना बहुत ही अच्छी जगह पे आज हम लोग भाई मतलब पूजा करेंगे कल्पेश्वर महाराज के। क्या लेके आओगे? बिस्किट। अब बिस्किट तो यहाँ भी मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सो मजे में होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने का भी। और भाई आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों के अभी तक भाई दो केदार हो चुके हैं, भगवान केदारनाथ और भगवान रुद्रनाथ जी का। और भाई हम लोगों को मधमेश्वर भी करना था, तुंगनाथ भी करना था और कल्पेश्वर भी करना था। लेकिन मधमेश्वर का ऐसा हो गया कि यार जैसे हम रुद्रनाथ से नीचे पहुँचे तो तबीयत थोड़ा सा बुरा हाल हो गया और पूरी तरीके से भाई सब कुछ ख़राब हो गया। और वहाँ पे की जो व्यवस्था है ना उसको देख के मेरे को लगा यार थोड़ा सा अभी अपने जितने भी मतलब मेरे प्लान हैं वो सब डिले करने पड़ेंगे क्योंकि व्यवस्थाएँ थोड़ा अस्त व्यस्त है। और रुद्रनाथ का जो टॉपिक चल रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर चल रहा है, इसी वजह से हम लोगों को अपना जो प्लान है ना थोड़ा सा डिले करना पड़ा। इसी बीच में यह है कि पापा की आज छुट्टी थी और भाई माता जी का भी आज फास्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और केदार हम लोग कर लें। तो कल्पेश्वर महादेव जो है ना वो पंच केदारों में से पांचवे केदार है जहाँ पर भगवान शिव जी के बालों की पूजा होती है और जो कि है उर्गम घाटी में स्थित। तो हम लोग निकल रहे हैं कल्पेश्वर के लिए। ओह आज गुन्नी महाराज की भी छुट्टी हो गई है। कहाँ जा रहे हो आप? अब मैं लेके लेके आओगे ये बताओ ए? क्या लेके आओगे? बिस्किट। अब बिस्किट तो यहाँ भी मिल जाता है गाँव से, कहाँ फल लेके आना। कहाँ फल भी होते हैं? हैं क्या क्या होते हैं तब? स्ट्रॉबेरी होती है। ठीक है स्ट्रॉबेरी लेके आना है। कितने लाओगे? एक दो तीन? किस किस के लिए? बस तीनों मेरे लिए और सबके लिए। तो यह है हमारे भाई नाइबरहुड, तो इनकी जो है ना वेकेशन पड़ चुकी है गर्मियों के, तो इसीलिए गांव जा रहे हैं। ओह माय गॉड, गांव गांव के मज़े। आएंगे भी हम बहुत जल्दी आएंगे गांव, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि यार गांव में भी आप ट्रैवल किया करो क्योंकि गांव में बहुत सारी मंदिर से बहुत सारी जगह लोकेशन ऐसी हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो जाएंगे बहुत जल्दी। तो बट अभी हम लोग पहले निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव के लिए। पापा जी प्रणाम। सुप्रभातम और सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। तो पापा की जो छुट्टी है ना आज बुद्ध पूर्णिमा की है छुट्टी है, और अभी हम लोग लेके जा रहे हैं रुद्रा को क्योंकि भाई रुद्रा पे ही है भाई फैमिली ट्रिप करना ज़्यादा बेटर है। भाई बाइक पे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं तीन लोग, तो अभी हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि पार्किंग का, तो जहाँ पे हमारी बाइक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे हम स्कूटी पार्क कर देंगे, उसकी वजह से वो जगह बच जाएगी हम लोगों की। तो पहुँच चुके हम लोग भाई गाड़ी पे, और देखिए पीछे नए नए मेहमान हमारे साथ, महावीर भैया और तंडू आंटी, माता जी भी, तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। वैसे आंटी जी लोग आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? बिल्कुल सही। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है अब हम पीपलकोट ही नहीं रोकेंगे गाड़ी, हम सीधा उरगाम। ठीक है ना, चलो। तो जय हो बाबा कल्पेश्वर की जय। तो हम लोग सफ़र पे निकले और सफ़र के आज का जो हमारा पहला स्टॉप है वो है हेलंग, जहाँ से आप लोगों को कल्पेश्वर के लिए भाई डाइवर्ट होना है। और ये पूरा जो रूट है ये है बैजनाथ हाईवे, और इतना सारा ट्रैफिक चल रहा है ना कि भाई क्या बताएं, मतलब इतने खतरनाक तरीके से। जाम वाम की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आ रहे हो तो बेझिझक हो के आए। थोड़ा सा यह है कि वेदर की अपडेट लेके आए क्योंकि वेदर शाम को चेंज हो रहा है, और अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे कुछ फल फ्रूट लेने के लिए। सभी लोग क्या बोल रहे? एक भैया बोला रहा था टोकरी नहीं है। हाँ क्या बोल रहे? कौन बोल रहा था? यहाँ पे एक मैप बोर्ड बना हुआ है जिस प्रकार से आप लोगों को जाना है, आप लोग यहाँ से पूरे मैप के अनुसार भाई पूरी चार धाम की यात्रा कर सकते हो, इसमें सब कुछ दिखाया है। और यहाँ से अब हम लोग को निकलना है कल्पेश्वर के लिए, और देखो बहुत सारे भाई यात्री लोग भी कल्पेश्वर करके आ रहे हैं। और ये देखे अभी हेलम उर्गम सारा अभी रूट अभी अपग्रेडेशन हो रहा है। और भाई जो ये रूट है ना भाई 10 किलोमीटर का, इस पर सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है हम लोगों को, और समय इसलिए लगने वाला है क्योंकि ये पहाड़ों का रूट है। अभी हम लोग भाई उर्गम वाली रोड पे आए हैं, और भाई एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा, और उसका रीज़न ये है कि भाई इस रोड पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हो पूरे रूट पर अभी कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। और यहाँ पे अंकल जी ने हमें रोक दिया, कह रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ गिरने वाला है, एक साइड कटिंग वटिंग के चक्करों में पेड़ लगा रखा है तो वो अभी गिरने वाला था इसलिए रोक दिया गया है। तो थोड़ी देर अभी ब्रेक लगेगा, और मम्मी लोग सब लोग अभी उतर चुके हैं भाई यहाँ पे, अभी फोटो सेशन भी चलेगा। और एक रूट वो देखो भाई, ठीक सामने देख रहे हो भाई क्या खतरनाक कटिंग चल रही है भाई, देख रहे हो भाई एक भी गलती और बहुत बड़ा रिस्क।
तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त का घर भी है। कमेंट में करें, कमेंट करके भाई बताएं कि किसका घर हो सकता है वहाँ पे। ये तो वो वीडियो देख रहा है ना, तो भाई कमेंट कर दो भाई कि ये हमारा घर है और अभी हम लोग रुके हुए इस जगह के लिए। देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है यहाँ पे। अभी बढ़िया है कि थोड़ा सा रोड का जो है ना अभी हालत ठीक नहीं है, बट आने वाला टाइम पे हो जाएगा मेरे को लगता है। तो 2 मिनट का ब्रेक और अभी कह रहे हैं कि निकल जाओ क्योंकि टाइम लगेगा भाई उस पेड़ को कटने में। तो हमने कहा जब तक निकल जाते। क्या बोले मम्मी? रोड के बारे में भी बताओ कि भयंकर रोड बेकार है। भयंकर तो काम चल रखा है भाई, बड़ी मुश्किल से तो चल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब हम लोगों को हाईवे की आदत पड़ गई है ना, इसीलिए हमें बेकार लग रहा है। तो निकलते हैं आगे क्योंकि भाई अभी ठीक है। ताऊ जी फटाफट निकाल देंगे। तो फटाफट निकालने के लिए क्या है भाई यहाँ पे भी। हाँ, सावन में तो बहुत ही बुरे हाल है। बरसात के टाइम पे आना तो भाई बहुत रिस्केबल है। निकल जाए तो भाई वहाँ पे है देखो पेड़ कट रहा है जो, तो थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक हो रखा है। तो भाई अभी रैसी जाम खुला ना, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे भी एक पेड़ वेड़ गिर चुका क्योंकि कल रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे ना, उसकी वजह से ही भाई यहाँ के अभी पेड़ वेड़ जो है टूट रखे हैं। वो तो बाइक वालों ने साइड कर दिया, बहुत सही। तो भाई अपने के पीछे चलेंगे हम लोग भी। देख रहे हो भाई यूपी नंबर की गाड़ियाँ, बाहर बाहर की गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही है। HR नंबर। चलो चलो चलो, देख रहे हो भाई कि बाहर की गाड़ियाँ कितनी चल रही है इस रूट पे। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी भाई, बहुत ही ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है पंच केदार करने में भी। पांचवा केदार क्योंकि कल पेशोर है और सबसे अच्छी बात है कि रोड पे ये है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग भाई उर्गम वैली में, कल्पेश्वर महाराज जी के दर्शन पे। और देख सकते हो भाई गाड़ी पार्क हो चुकी है। और मैंने भाई आप लोगों को रास्ते का ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतना भाई टफ रास्ता नहीं है, ठीक है ना, आप लोग इजीली आ सकते हो। हाँ, लेकिन यह है कि हेलंग से आप लोग भाई उर्गम के लिए आ रहे हैं, ये है जो 10 किलोमीटर का पैच, इसमें आप लोग जो भी है ना भाई यहाँ पे लोकल गाड़ियों से भाई ही ट्रैवल करें, माना आप लोग अपनी गाड़ी से लेकर आना, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो रोड है ना थोड़ा सा अभी ख़राब है, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है आपने देखा, क्योंकि रास्ते में अभी कटिंग वटिंग का काम लगा हुआ है, यही सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। तो एक अच्छी बात यह है कि भाई गाड़ी जो है ना मंदिर से 100 मीटर पहले तक जाती है, आपको ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा जैसे और केदारों में चलना पड़ता है। तो यहाँ पे से 100 मीटर आगे ही मंदिर है, देख सकते हो भाई। और जो ये झरना है ना भाई बहुत ही खूबसूरत झरना है, आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना तो ये सोचो कि ये झरना जैसा आपको दिखेगा ना तो आपकी आधी थकान और जो भी आधी टेंशन है वो सारी दूर हो जाएगी, रास्ते का जितना भी टेंशन है वो सब दूर हो जाएगा क्योंकि जो ये झरना है बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए पंच केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर 300 मीटर आगे, 300 मीटर की दूरी है। उस 300 मीटर की दूरी में मैं सबसे अच्छी बात यह है कि एक ब्रिज आता है जिस पर आप लोग बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे भाई कैप्चर कर सकते हो, बहुत अच्छा सा मतलब ये है ना भाई कल्पेश्वर। तो जो ये पुल है ना बहुत ही खूबसूरत है। और देखो यहाँ पर भी भाई ये वाला रीति रिवाज चलने लग गया है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखने वाला, जो कि आपने तुंगनाथ में भी देखा होगा, रुद्रनाथ में भी देखा होगा और मधमेश्वर में भी देखा होगा। तो ये सारे जो है ना सभी जगह रखने लग गए हैं। तो ये देख सकते हो जो खूबसूरत सा ब्रिज है ना, वो यही ब्रिज है, देख सकते हो। पापा लोग भी चले गए और जो हमारे साथ अंकल आंटी आए थे ना वो लोग भी भाई, अचानक से उनका प्लान बना और वो लोग भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो यही होता है कि भाई जहाँ पे भाई जाने का मन होता है ना भाई वहाँ कैसे ना कैसे करके चले ही जाते हैं। और ठीक सामने आपको जो ये नदी दिख रही है ये है कल्पगंगा, जो कि भाई कल्पेश्वर मंदिर के जस्ट बगल से गुजरती है। तो मम्मी का जो व्रत है ना बहुत ही अच्छी जगह पर आज हम लोग भाई मतलब पूजा करेंगे कल्पेश्वर महाराज के पास में। तो ऐसे ही यार कम समय है, लेकिन यह कि खुशियाँ बांटते रहो जितने आप लोगों से हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में माँ बाप ही ऐसे होते हैं ना जिनके साथ भाई आप लोग समय बिताओ और सारी टेंशन भूल जाओ। यही एक सबसे अच्छा मैं आप लोगों को भाई मतलब अपनी तरफ से एक लेसन दूंगा कि माँ बाप के साथ जितना घूम सकते हो घूमिए, जहाँ तक हो सकते हो घूमिए। क्या बोलो? एक मंदिर और हुआ करता था, कह रहे पापा ताड़ेश्वर बाबा, ताड़ेश्वर बाबा का मंदिर आगे, हाँ, जिसने एक दाएं हाथ भगवान शिव को चढ़ा रखा था और नग्न अवस्था में रहता, तो आज से 20 साल पहले की बात होगी। लगा लो भाई आज से 20 साल मतलब 2004
3-4 में है कि नहीं, जब हम 4-5 साल के होंगे तब भाई यहाँ पे मतलब एक बाबा रहते थे, तो उनकी कहानी बता रहे हैं। मंदिर से पहले देखिए क्या प्यारी एक आकृति बनाई गई है ना, देख रहे हो भाई, और इसके बीच से ही जो भाई पानी है ना बहुत ही प्यारा नेचुरल रिसोर्सेज से ये पानी आ रहा है, तो कितना मज़ेदार होगा। तो थोड़ा सा पानी के भी आनंद लेते हैं। वाओ, इसमें मुझे सीधा एक गढ़वाले गाना भाई याद आ रहा है, तुम दिस लेरी वाली और हम धारो को पाण वालू। तो यही कहानी है कि भाई आप पहाड़ों में आ रहे हो ना, तो बिस्लेरी भाई मत खरीदो, मत पियो। हाँ, आप बॉटल ले लो, उस पानी को फेंक दो और उसके बाद ये वाला पानी भरो ना, तो इसका अलग ही मज़ा है। और बस यहाँ पे से भाई 100 मीटर और मम्मी लोग आगे आगे चल रहे हैं, मैं जस्ट पीछे पीछे। और मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूँ, क्या खूबसूरत सा ब्रिज है, और इस ब्रिज की कहानियाँ बहुत अलग अलग है यार, बहुत ही ज़्यादा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो पता करेंगे आगे कि क्या क्या है यहाँ पे की कहानियाँ इस बार भी। तो हो चुके हैं हम लोगों के दर्शन, और यहाँ पे माता जी कैसा लगा था? बहुत सुंदर लगा मुझे, पूजा भी इतनी अच्छी हुई, मतलब आते समय तो ऐसा लगा था कि बाबा कहाँ बसे हैं, पर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत महादेव की कृपा से। और पूजा भी बहुत सुंदर हुई, कितनी अच्छी पूजा हुई, और देखो इतनी भीड़ हो रही है आज की, क्या बताएं। फिर आज पूर्णमासी भी था और अच्छे दर्शन हुए। तो भाई माता जी शायद पहली बार कल्पेश्वर, पहली बार आ रही मैं कल्पेश्वर, मम्मी तो पहली बार कल्पेश्वर आ रही है, पापा जी 2-3 बार आ गए हैं ना ज्यादा, मैं तो बहुत एक हफ्ते के 10 दिन रहा, एक हफ्ता रहा जब ठाड़ेश्वर बाबा यहाँ थे, तब हमने यहाँ पर काफी दिनों तक इस मंदिर की पूजा अर्चना की और साफ सफाई की, इसलिए मैं आज से 20 साल पहले भी आया हूँ और आज भी आया हूँ इसके लिए। कल्पेश्वर महादेव की जय हो। और सबको जी ने आंटी जी सडन प्लान बना, आंटी जी अचानक ही प्लान बना हमारा, पीपल कोटी घर जा रहे थे तो दीदी लोगों ने बोला उर्गम चलेंगे, चलो हमारे साथ महादेव कल्पेश्वर महादेव। मैंने कहा चलो भाई, जब गाड़ी जा रही तो हम भी दर्शन करके आ जाते। तो यही कहते हैं कि बुलावा जो होता है ना भाई, यही है कि भाई भगवान जी कब बुलाए अंकल जी को, तो अंकल जी तो भाई अंकल जी का तो ना 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 कर, अंकल जी क्या बोलेगा ना ना ना। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअल में घर आ रहा था रवि की गाड़ी पे, लेकिन देखिए अचानक से जो है श्रीमती जी ने कह दिया कि नहीं वहाँ चलना है, लेकिन मेरे मन में नहीं था, लेकिन देखो भगवान की ऐसी आस्था रही और उनकी ऐसी कृपा रही कि उन्होंने जो है अपने द्वार पे जो है और अपनी चरणों में जो है हमें बुला लिया। तो मैं रवि का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारा क्या भैया, वो तो बहुत भोलेनाथ का धन्यवाद है कि बुला दिया। देखिए भोलेनाथ जी की कृपा हुई कि मैं कहाँ जा रहा था और कहाँ आ गया। सही बात है, धन्यवाद। तो देख रहे हो भाई, इसे बोलते हैं भोलेनाथ का बुलावा। तो क्या प्लान बनता है और क्या भगवान कर लेता है, तो यही सब है। और भाई इस बार भी बहुत ही तसल्ली से मेरी जो मतलब दर्शन हुए, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर भगवान शिव जी के भाई बालों की पूजा की जाती है, और भाई यहाँ पर जब सुबह के समय सबसे अच्छा समय है, जब आप लोग भाई यहाँ सुबह की आरती देखोगे उस समय संपूर्ण तरीके से श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव जी के बालों का, और बहुत ही खूबसूरत। तो आ रहे हो तो देख रहे हो भाई, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, ये देखो। और यहाँ पर भी वही सिस्टम कर दिया कि आप फोटोज अंदर खींच नहीं सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से भाई हमारे धार्मिक स्थलों पर भाई श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, उस प्रकार से हम लोगों को ये सब कदम लेने पड़ेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ही लोगों को भाई आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए हम भी भाई मंदिर से ऑलमोस्ट भाई 10-20 मीटर दूर आगे भाई व्लॉग कर रहे हैं, और भाई इतने सारे धार्मिक लोग आ रखे ना, और भाई एक भाई तो भाई कलकत्ता से पैदल यात्रा कर रहे हैं, पंचकेदार पंचबद्री, तो उनकी भी शुभ यात्रा। तो अभी हम लोग भाई यहाँ से निकलते हैं, और हमारे बड़े भाई जी रंदी भाई से बिना मिले जाऊंगा ना तो मैं पक्का गाली खाऊंगा, इसलिए मैंने उन्हें फोन कर दिया और चलते हैं उन्हीं के पास। मैं गोपेश्वर दावी बंदा जिवे आके आया आके बिना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे